हेलो गाइस, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? तो अभी हमने रीजनिंग की क्लास ख़त्म की 7 बजे, और 7 बजे से स्टार्ट थी और 7:30 तक चली, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पर मैथ्स की क्लास को कंप्लीट करेंगे, और जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं वो है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का पेपर सोल्यूशन। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर, जैसे आप क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अपना जो ये टारगेट है वो है जनवरी 2023 का, जो ये पेपर होना है ना एसएससी जीडी का, उसी का ये हमारा टारगेट है। और जो अपनी क्लास है वो 8 से तो स्टार्ट ही होती है और 7 से रीजनिंग की होती है, ठीक है ना। यहाँ पर यदि आपको कोई भी डाउट आए तो आप लोग इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इस वाले सेट की यदि हम बात करें तो ये वाला सेट आया था आपके एग्ज़ाम में 18/11/2021 को 9 से 10:30 बजे तक ये वाला पेपर हुआ था, ठीक है। तो पहले पेपर की बात करें तो यहाँ पर 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता था, लेकिन इस बार का टाइमिंग आपको 1 घंटे को मिलेगा। पहले आपका जो क्वेश्चन आता था वो आते थे टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। इस बार कितने क्वेश्चन आने हैं? 80 क्वेश्चन। तो टाइम भी आपका कम है और क्वेश्चन भी कम है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो जहाँ भी डाउट हो आप या तो कमेंट कर देना या तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अब भी उसके पास 540 सेब हैं। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? अच्छा देखो, 40% बेच दिए तो 60% सेब बचे होंगे। 60% की वैल्यू यहाँ पर 540 दे रहा है, तो आरंभ में पूछ रहा है कितने सेब थे। आरंभ में तो भाई 100% ही सेब थे। जो 0 से 0 कट गया, 6 नहीं गया 54, 1 की वैल्यू 9 आ गई, 100 की वैल्यू 900। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है 30, 73, 17, 56 और 48, 29 का महत्तम समापवर्त एक्स है, एक्स के अंकों का गुणनफल क्या होगा? चलो एस से निकाल लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो जो छोटी संख्या है 1756, इससे हम लोग भाग दे देंगे 30, 73 में, ठीक है। ये इस पे हम लोग भाग देंगे जब कभी भी भाजक भाजक, या यदि मैं ये बात कहूँ कि जब कभी शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक होगा ना वो हमारा एच सी एफ हो जाएगा। कैसे करते हैं वो भी देख लो, एक बार जाएगा ना ये, कितना आएगा 1756, घटाओ इसको कितना आएगा, 13 से 6 जाएगा यहाँ पर आएगा 7, 6 से 5 जाएगा यहाँ पर आएगा 1, 17 से ये आएगा टोटल 13, 17 आ गया। अगेन हम लोग इस पर भाग देंगे 1756 पर। जैसे हमने इस पर भाग दिया तो एक बार ये जाएगा, कितना आएगा 1317, इतना आएगा ना। तो 16 से 7 जाएगा यहाँ पर आएगा 9, 9 आ जाएगा, और ये 4 से 1 जाएगा यहाँ पर कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 से 1 जाएगा कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पर 7 से 3 जाएगा 4, 439। और 439 से जैसे आप लोग 1317 में भाग दे देंगे, 439 का भाग से भाग देना है 1317 में, कितने बार जाएगा 4 बार, सॉरी 3 बार जाएगा। 3, 9, 27 के साथ हासिल 2, 3, 3, 9, 2, 11, 3, 4, 12, 1, 13 कट गया। तो अपना जो 439 आ गया वो क्या आ गया? एच सी एफ आ गया ना एच सी एफ। अभी नहीं कहेंगे भाई 439 से पहले 4829 में तो भाग दे लो, अगर यहाँ भी शेषफल 0 आ जाए तो हम बोल देंगे भाई 439 हमारा क्या है, एच सी एफ है। चलो करते हैं भाग, यहाँ पर कितने बार जाएगा एक बार, तो कितना आ गया 43, यहाँ पर बचेगा कितना 439, यहाँ बचेगा 43, यहाँ कितना लिख देंगे 9, एक बार ये और चला जाएगा 439, पूरा पूरा कट गया ना। शेषफल कितना, सॉरी भाजक कितना है 439, तो एच सी एफ कितना हो जाएगा 439, सिंपल सा। तो 439 हमारा क्या हो गया एच सी एफ, इसके अंकों का गुणा कर दो 4, 3 × 9 कितना आएगा 108, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, एक व्यक्ति को टेलीविज़न 18,400 रुपये में बेचने पर 8% की हानि हुई, 5% का लाभ अर्जित करने के लिए टेलीविज़न को किस मूल्य पर बेचना होगा? देखो 8% की हानि हुई ना, वस्तु मतलब 92 में बिकी है, 92 का मतलब कितना हो गया 18,400। पूछ रहा है 105 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 की वैल्यू इसको कट कर लो, कितने बार में कट हो जाएगा 2 बार में, 1 की वैल्यू आ गई 200, तो 105 की वैल्यू आएगी 210, 2 जीरो लगा लो तो 21,000 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें तो इस पे है कि 85 मीटर और 154 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसा करिए त्रिभुज है,
हमने मान लिया कि ये भुजा है 85 मीटर, ये भी भुजा है 85 मीटर, ये भी भुजा है 85, 154 मीटर, ठीक है। चलो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है एस, एस क्या होता है? अर्ध परिमाप, ठीक है। एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये किस में होने चाहिए? अंडर रूट में। तो सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो पूरा परिमाप निकाल लो, जोड़ लो तीनों को, 5 5 10 4 14 की 4 हासिल आ जाएगा यहाँ पर 1, और 8 8 16 16 1 17 17 5 23 की 3 हासिल 2, कितना 17 5 22 हो जाएगा ना, 22 का 2 हासिल कितना बचेगा? 2 बचेगा ना, 2 1 3 कितना आ गया? 324। तो इसका अर्ध परिमाप कितना होगा? 324/2। 324/2 हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 9 में 2, 2 6 12, 2 2 4, 162 आ जाएगा। चलो 162 आ गया अर्ध परिमाप। अब इससे हमें पहली भुजा घटा लेते हैं। 162 से 85 जैसे हम लोग घटाएंगे तो 12 5 जाएगा 7 आ जाएगा, टोटल आएगा 77। ये भी 85 है तो 177 और आ जाएगा। इसमें है सी माइनस एस माइनस सी, तो 162 से 154 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 8। फैक्टर करेंगे, फैक्टर कर लो, जो 77 तो लिखा ही है, 77 तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। अब देखो 162 दूना होता है 324 में, पता है, तो 8 के फैक्टर कर लो 4 × 2 में, तो 162 × 2 करेंगे कितना मिल जाएगा? 324, जो कि होता है 18 का, यहाँ 18 लिख लो, इंटू में इंटू करेंगे, यहाँ पर कितना है? 4 है, 4 कितना बाहर आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर पूरा गुणा कर लो तो 77 दूनी हो जाएगा 154 गुड़े 18, तो 18 4 72 की 2 हासिल 7, 18 5 90, 7 97 की 7 हासिल 9, 18 1 9 में 18, 18 9 27, तो 2772 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर है, एक अधिकारी और एक क्लर्क की मासिक वेतन 11:4 के अनुपात में है। यदि अधिकारी के मासिक वेतन में 7000 और क्लर्क के मासिक वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो यह अनुपात 19:7 हो जाता है। अधिकारी का प्रारंभिक वेतन कितना था? हमने मान लिया कि अधिकारी का प्रारंभिक वेतन था 11x रुपये, क्लर्क का प्रारंभिक वेतन था 4x रुपये। अधिकारी का वेतन बढ़ा है देखो 7000 रुपये, क्लर्क का वेतन बढ़ा है 3000 रुपये, जैसे ये बढ़ गया तो इनका अनुपात हो गया 19:7। क्लियर है? तिर्यक गुणा कर लेंगे, देखो गुणा करेंगे हम लेकिन ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे नहीं, समझा के तुम्हें बता देंगे, ठीक है। तो 11 × 7 में होगा 77 हो जाएगा, 77x इधर आएगा, 19 की ओर 4 जाएगा, 19 4 76x हो जाएगा, इस साइड है 77x, इस साइड है 76x, इस साइड जाएगा कितना बचेगा? 1x बचेगा, तो 77 से घट जाएगा, कितना आया? 1x आ गया। अब देखो 19 6 57, इस साइड है 57, 7 7 49, इस साइड है 49, ठीक है, तो 57 से 49 घटाएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8 आ जाएगा, मतलब 8000 आएगा x की वैल्यू। किसका पूछ रहा है? प्रारंभ में अधिकारी का वेतन कितना था? 11x, अगर 1x की वैल्यू 8000 है तो 11x की वैल्यू हो जाएगी 88000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर सामान का एक तिहाई हिस्सा 15% के लाभ पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है, और शेष सामान 10% हानि पर बेचा जाता है, पूरे लेन देन में 350 का लाभ अर्जित किया जाता है, तो सामान का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो एक तिहाई भाग पर 15%, ठीक है, और एक चौथाई भाग 25% का मतलब क्या होता है? एक चौथाई, हमने मान लिया एक चौथाई भाग पर इसने बेचा है 20% का लाभ, ठीक है, कितना? 20% का लाभ बेच दिया, और शेष को 10% का। अच्छा ये बताओ, इसके बटे में 3 है, इसके बटे में 4 है, तो हम लोग एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो दोनों से कट जाए। हमने मान लिया कि टोटल सामान था 12, और 12 सामान का जो मूल्य था वो था 12 रुपये, मतलब एक सामान 1 रुपये के थे, हमने ये इस प्रकार से इसको मान लिया। अब देखो 1/3 भाग पर 15% का लाभ हुआ है, तो इसका 1/3 कितना होगा? 4 होगा ना, तो 4 भाग पर अगर ये 15% का लाभ हो गया तो 15 × 60 कितना होगा? 0.6 रुपये का लाभ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 1/4 भाग पर 20%, 1/4 कितना होता है? 3, अगर 3 भाग पर इसको 20% का लाभ हो रहा है तो 20 × 3 कितना हो गया? 60, मतलब 0.6 का और लाभ हो जाएगा। अगेन 4 × 3 = 7 यहाँ पर हो गया ना, 7 सामान हो गया, सामान बची कितनी? 5 सामान, तो 5 सामान पर कितना हो रहा है? 10% की हानि हो रही है, तो इस पर 10% लगाएंगे हानि के लिए, तो 10 बचे कितना हो जाएगा? 50, मतलब 0.5 रुपये की इसको हानि हो जाएगी। ये दोनों लाभ के, तो 6 6 12 12 से 5 घटाएंगे 0.7 आएगा, और 0.7 की जो वैल्यू है वो 350 दे रखी है,
तो 0.00 कट गया, 7×35 एक की वैल्यू कितनी आ गई 500। क्या पूछा गया, सामान का वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य हमने कितना माना था 12 रुपये, तो 12×500 करेंगे कितना आएगा आपका 6000 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो यहाँ है ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने, तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। देखो ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में, ठीक है, दोनों ने 5 दिन तक कार्य किया, हमने मान लिया कि टोटल कार्य 30 है, इसकी क्षमता हो जाएगी 3, 15 दिन में पूरा काम खत्म करता है तो इसकी क्षमता हो जाएगी 2, मतलब एक दिन में ये 2 काम करेगा, तो 15 दिन कार्य करेगा तो 30 काम खत्म कर लेगा, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं कि नहीं करते, इन्होंने 5 दिन तक किया है, तो 5 दिन तक कितना काम हो गया, 25 काम हो गया ना, काम बचा कितना 5, कितने में से 30 में से कितना बचा 1/6, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो यहाँ है 6 संख्याओं का जो औसत है, ए बी सी डी ई एफ का जो औसत है वो 58 है, पहली संख्या ए संख्याओं बी और सी के योग की 2/5 है, और साथ ही संख्या है डी ई और एफ के योग का 3/4 के भी बराबर है, तो बी और सी का योग क्या है। अगर ये बताओ 6 संख्याओं का औसत 58 है तो योग कितना होगा, 58×6 होगा या नहीं होगा। क्लियर है सभी को, चलो अनुपात देख लेते हैं। यहाँ पर ए अनुपात है बी प्लस सी दिया है 2/5, मतलब ए 2 है, बी प्लस सी कितना है 5 है। यहाँ पर डी ई और एफ का अनुपात कितना है 3/4, मतलब ए अनुपात है डी प्लस ई प्लस एफ, इसका मान कितना है 3/4, अगर ए 3 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ ए 3 है, यहाँ ए 2 है, दोनों को बराबर कर लो, तो इधर 3 का गुणा कर दो, इधर 2 का गुणा कर दो, तो 3×6 अनुपात कितना हो जाएगा 5×3 15, 3×6 अनुपात कितना हो 4×8। देखो यहाँ से आएगा ए बी प्लस सी डी ई एफ, टोटल कितना यहाँ पर दिया गया 58×6, तो इनका योग कितना हो जाएगा 58×6 हो जाएगा, तो इनका योग करो तो 15×6 कितना 21×21 28 29, तो 29 की वैल्यू कितनी हो गई 58×6, तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है बी और सी की, मतलब 15 की वैल्यू पूछ रहा है, 15 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 29×58 6×2 कितना हो गया 12, तो 15×12 कर लो तो ये हो जाएगा 180, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर यदि एक घन का आयतन 192√3 क्यूबिक सेंटीमीटर है, जैसे मैं यहाँ पर एक घन बनाऊँ, ठीक है, ऐसे करके कुछ बन जाएगा एक घन, अब यहाँ पर इसका आयतन दे रखा है 192√3, ये दे रखा है आयतन, मतलब ए क्यूब, तो इसका विकर्ण पूछ रहा है। अच्छा विकर्ण दो होते हैं ना, एक होता है बाह्य विकर्ण, हम चाहे इसको मान ले चाहे इसको मान ले, ऐसे करके बाह्य विकर्ण मान सकते हैं, एक होता है आंतरिक विकर्ण जो कि इस छोर से लेके इस छोर तक जाएगा या इस छोर से लेके उस छोर तक जाएगा, ये क्या होता है, ये होता है सर 3√3 × a या √3 कह लो, ये होता है विकर्ण। चलो यहाँ सबसे पहले a का मान निकालेंगे, ए का मान कितना आएगा 192√3 इसका पावर 1/3, इतना हो जाएगा ना। चलो 152 के यदि हम फैक्टर करें तो ये मान के चलो कितना आएगा 64 त्रिको होता है 192, कितना आएगा 64×3 और अंदर कितना है √3, इसकी पावर कितना है 1/3, अगर 64 बाहर आएगा तो बाहर कितना लेके आएगा 4 आएगा, यहाँ पर 3√3 है ना, 3 को अंदर कर दो तो 3×9 और 9 के साथ ये वाला 3 मल्टीप्लाई होगा कितना होगा √27, √27 को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 27 की पावर 1/2, ठीक है 27 की पावर 1/2। अच्छा 27 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या कि ये 3 का स्क्वायर लिखा है, हाँ सर लिख सकते हैं, इंटू में भी 1/3 है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि ये लिखा है 3, नहीं दिख रहा पेन, चलो ये लिखा है 3, 3 का क्यूब होता है 27, तो देखो क्यूब से ये खत्म हो गया, अब यहाँ पर 3 की पावर 1/2 ये कितना हो जाएगा 4√3, तो यहाँ पर a की वैल्यू है 4√3, हमें √3 a की वैल्यू चाहिए तो इसमें √3 का और गुणा करवा दो, तो √3 कितना हो जाएगा 3 और 3 का गुणा 4 में कराएंगे कितना होगा 12, तो 12 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बेहतरीन सवाल है एक ये। आगे बॉट मास रूल बहुत आता है सबको पता है, चलो करते हैं इसको, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, देखो 3×6 2 आया, 8 से 2 घटा दिया हमने कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ पर 4×2 कितना हो जाएगा 8, 8 से 8 कटेगा कितना आएगा 1 आएगा ना 1, अब 1 यहाँ पर आ गया
अगर इसको माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 2 आया था ना माइनस का, माइनस का 4 हो गया, 1 − 4 आ रहे हैं, 1 − 4 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 6 = 12, 6 तब तो आएगा नहीं, कहीं गलती कर रहे हैं क्या। चलो इसको एक बार फिर से देखते हैं, देखो यहाँ पे 3 × 2 = 6, 2 आया, 2 आया ना, अच्छा 8 से 2 घटाएं तो आएगा 6, यहाँ 8 से 8 कट गया तो यहाँ आया 1, 1 से 6 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 5, प्लस का 3, माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 2, ये वाला माइनस बन जाएगा प्लस, आगे लिखा है 12, 12 2 होता है 14, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 11 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 लड़कियाँ किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, यदि सभी 15 लड़के और 12 लड़कियाँ एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने टाइम में पूरा हो जाएगा। सिंपल, 15 लड़के हैं 10 दिन में पूरा करते हैं, 12 लड़कियाँ हैं 15 दिन में पूरा करते हैं, हमने मान लिया टोटल वर्क कितना है 30 मान लिया, तो ये लोग अगर 10 दिन में काम खत्म करते हैं तो 1 दिन में 3 काम करेंगे, ये लोग 1 दिन में 2 काम करेंगे। क्या कह रहा है, 12 बॉयज करने हैं, सॉरी 15 बॉयज करने हैं और 12 गर्ल्स करने हैं, तो 15 बॉयज प्लस 12 गर्ल्स 1 दिन में कितना काम करेंगे, 3 × 2 = 5, तो टोटल काम कितना है 30 काम, 1 दिन में 5 काम करते हैं, टोटल कितने दिन लगेगा 6 दिन, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर अगेन बॉडमास रूल का क्वेश्चन आ गया है, इसको करते हैं किस साइड से करें, इधर सबसे इधर ही से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, कितना हो 4 × 2 = 8, जैसे हम लोग इस पर एलसीएम ले लेंगे तो 2 × 4 = 8 और ऊपर आएगा कितना 4 − 1 कितना हो जाएगा, माइनस का साइन लगा लो। यहाँ पर देखो 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 5 कितना आएगा 5/3, ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा 3, तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा 4/3, यहाँ पर गुणे का साइन लगा देंगे 3/4 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया देखो 3/4, तो कितना हो जाएगा 3 × 9/16, क्लियर, डिवाइड का साइन लगा दो। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 3/16, ध्यान देना इतने की वैल्यू कितनी आएगी 3/16 ऑफ, यहाँ पर डिवाइड का साइन, चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो 4 × 9 = 4 × 1 = 5, 5/4, तो 5/4 ऑफ 2/5, तो 5 से 5 कट गया, 2 × 2 = 4 हो गया, तो 1/2 आया ना, 2 से इसको कट कर लो 8 हो गया, तो कितना आएगा 3/8, ये आ गया 3/8, ठीक है। चलो इसको हम लोग पलटेंगे अभी, तो ये हो जाएगा 3/8 गुणे 16/9 माइनस 3/8, ठीक है, इतना हो जाएगा ना। चलो 3 × 9 = 8, 2 × 16 एलसीएम ले लो, कितना आएगा 24, 3 × 8 = 24, 8 × 2 = 16 माइनस 8 × 3 = 24, 3 × 9 = 9, 16 × 9 घटाओगे 7/24, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर है किसी सेल में इत्र विक्रय मूल्य पर 25% की छूट के साथ उपलब्ध है, यदि सेल में इत्र का मूल्य 6773 है तो इत्र का मूल्य विक्रय, इत्र का मूल विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है ना। चलो 25% की छूट पर उपलब्ध है, कितने का उपलब्ध है भाई, 6773 का, अगर 25% के छूट पर उपलब्ध है मतलब 75% पर उपलब्ध है और 100% इसका मूल होगा, तो 25 × 75 = 300, 25 × 4 = 100, तो मतलब 3 की वैल्यू कितनी, 6773, तो पूछ किसकी वैल्यू रहा, मूल मान पूछ रहे हैं किसकी वैल्यू, 4 की वैल्यू, कट कर लो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, इंटू में कितना करेंगे 4, गुणा कर लो 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, किसे हासिल 3 × 4 = 8, 3 × 11 = 1, 4 × 2 = 8, 1 = 9, कितना आ गया 91/64, क्लियर है। आगे अगला है, अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है, उसका व्यय 30% बढ़ जाता है और बचत 25% बढ़ जाती है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो 100 रुपये मान लो कमाता था, 74 खर्च करता था मतलब 26 बचाता, सिंपल सी बात है। इसके बाद उसके आय में 30% की वृद्धि हो गई, आय में अगर 30 की वृद्धि होगी, पहले हमने मान लिया आय 100 रही है, अब कितनी हो गई 130 हो गई, तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, ये 0 हटेगा दशमलव लग जाएगा, गुणा करो 13 × 52 = 5, 13 × 7 = 91, 91 और 5 कितना होगा 96, कितना होगा 96.2 आएगा। इस पे क्या हो रहा है 25% की वृद्धि, मतलब 100 से कितना बढ़ जाएगा 125, 100 से कितना बढ़ेगा 125, मतलब 25 × 4 = 100, 25 × 5 = 125, मतलब 5/4,
26 पंचे हो जाएगा 130 बटे 4 करेंगे तो 4 तीन 12 1 10 4 दूनी 8 2 बचेगा 20 4 पंचे 20 इतना हो जाएगा। अब देखो ये टोटल जोड़ो 5 2 कितना हो गया 7 6 2 कितना हो गया 8 9 3 कितना हो गया 9 2 11 1 12 इतना हो गया ना, मतलब 100 की समान थी 128.7 हो गया। मतलब पहले था 100 रुपये, अब कितना हो गया 128.7, आय कितनी बढ़ गई, आय बढ़ गई 28.7 रुपये। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, 28.7% बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। आगे इस पर है कि एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 था, अब इसे 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा, बी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। देखो यहाँ पर ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, सॉरी वर्तमान आयु नहीं, एक वर्ष पहले की आयु 4:3, अब कितनी हो गई 9:7, कितने वर्ष बाद 7 वर्ष बाद, ठीक है। तो बी का वर्तमान पूछ रहे हैं ना, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये 4 से बढ़ के 9 हो गया, मतलब 5 साल हमने मान लिया बढ़ रहे हैं, ये कितना बढ़ रहा है 4 साल। अब देखो वर्ष तो सेम ही बढ़ रहा है ना, दोनों को सेम बढ़ना चाहिए, यहाँ पर सेम बढ़ नहीं रहा, दोनों को बराबर कर लेंगे, बराबर बढ़ाएंगे, अंतर कितने का आ रहा है 2 का, इसके बीच का अंतर आ रहा है 1 का, 2 का गुणा इस पे कर दो, 1 का गुणा इस पे कर दो, अंतर सेम हो जाएगा। देखो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 9, 7, देखो एक एक बढ़ रहा ना, देखो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और 1 8 वर्ष, 8 वर्ष का अंतर आएगा। तो इसका एक वर्ष पहले आयु कितना था 6 था बी का, तो 8 संग कितना हो जाएगा 48 और एक वर्ष बाद कितना हो जाएगा 49 का, तो ये कितने वर्ष का है वर्तमान में 49 वर्ष का, ठीक है ना। आप इससे भी निकाल सकते हो, दो 7 8 56, 56 से 7 घटा दो कितना आएगा 49, यहाँ से भी देखो आ गया, घटा क्यों रहे क्योंकि ये 7 वर्ष बाद की आयु है, ठीक है ना, इस वजह से। आगे यहाँ पर है 846 में एक गिटार बेचने पर राखी को 6% की हानि होती है, 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए रीमा को गिटार किस मूल्य पर बेचना होगा। देखो 6% की हानि होती है, मतलब 94% में वस्तु बिक रहा है, 94% की वैल्यू कितनी 846, तो पूछ रहे भाई बता दो 108 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो 94 नहीं है 846 हो जाएगा, देख लो 9 9 81 होता है 4 9 36, हमने देखो हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ये 9 के करीब है, इसका मतलब 4 9 36 होता है, 9 बार में पूरा पूरा कट जाना है 6, ठीक है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9, 108 की वैल्यू 9 8 72, 9 91 9, कितना आ गया 972 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 20% की वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, अच्छा इस पे ब्याज को अर्धवार्षिक कर दिया बहुत से, तो चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है भाई, क्वेश्चन तो बहुत तगड़ा है, देखते हैं। देखो अगर 20% वार्षिक है तो 10% छमाही होगी कि नहीं होगी, और 3 वर्ष में कितनी छमाही बनेंगी भाई 6 छमाही बनेंगे, 3 वर्ष में 6, मतलब 10 10% 6 टाइम्स लगेगा। अगर 10% की बात करें, अगर उसका मूल राशि 10 है तो ब्याज उसको 1 का मिल जाएगा, वो कितने में जाएगा 11 में, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 10 में ब्याज कितने मिलेगा 1 का मिलेगा, 11 का हो जाएगा, इसकी पावर 6 करो, इसकी पावर 6 करो, तो 3 पावर तक तो ठीक था, 6 पावर कैसे करें, तो कैलकुलेशन तो है, देखो तो कैलकुलेशन है, तो देखो हिट एंड ट्रायल रूल से इसको लगा लो तो आ जाएगा, कैसे सर लगाएंगे, देखो यदि हम बात करें तो 10 की पावर यहाँ पर 6 जीरो आएंगे, ठीक है, यहाँ पर देखो अगर मैं 3 साल का देखूँ तो मिश्रधन कितना होगा 1331, ब्याज कितना होगा सर 331, अगले 3 साल का अगेन 331, तो 331 ना मान के 33 ही मान लेते हैं अभी के लिए, कितना 33 ही मान लो, और 33 को 2 बार बढ़ा दो किस फार्मूले से, इससे 33 + 33 मतलब x + y + xy/100, चलो यहाँ पर एक्स वाई कितना हो जाएगा 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 3 3 9 3 3 9 3 3 9 2 18, तो 9 8 10, 1089 कितना हो जाएगा 3 3 9 2 18, हाँ 1089 हो जाएगा, जोड़ो इनको 33 33 66, 66 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 76.89, लगभग 77%, लगभग कितना 77, तो 3000 का निकालो जरा कितना होता है 77 × 3000, 3 का गुणा कर दो, 3 7 21 की एक हासिल, 2 3 7 21 2 23, कितना आ गया 231 आ गया ना, मतलब
23 से तो ज़्यादा आने वाला है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। तो 231 यहाँ है, 231 लगभग यहाँ पर आ रहा है, ठीक ना, मतलब 2300 से ज़्यादा आएगा। तो 2300 से ज़्यादा आएगा तो एक तो हो ही नहीं सकता है, तो जस्ट ज़्यादा है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आगे इस पे क्या हो जाएगा कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से समान वार्षिक दर पर 4 वर्षों में 12,740 और 7.5 वर्षों में 15,925 हो जाती है क्रमशः धनराशि और वार्षिक ब्याज की दर, याद करो। देखो इस पे 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष का मतलब 7/2 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, इससे इसको हटाओ, ये 5 आएगा, 12 से 8 जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, 8 से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ से 12 3 आएगा, इतना आ जाएगा। यहाँ से 1 की वैल्यू हम लोग देखें तो कितना आएगा, 7 से कट कर लो, 7 चौके 28, 3 34, 31, हाँ कितना आएगा, कुछ गलत कर दिया क्या घटाने में, 5 से तो 5 आ गया, 12 में 4 जाएगा, 12 से 4 जाएगा तो यहाँ 8 आएगा ना, 8 आएगा, 8 से 7 जाएगा, अब सही ना, तो 7 चौके 28, 38 हो गया ना, 7 पंद्रह 35, 7 में 35, 1/2 की वैल्यू 455, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 910, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 910। अच्छा 4 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 4 वर्ष के ब्याज की बात करें तो 0, 9 एकन्ना 4 एकन्ना में 4, 4 नहीं 36, 3640 अगर 4 वर्ष का ब्याज है, 4 वर्ष का मिश्र धन 12,740 है और ब्याज कितना है 3640, तो इस पर मूलधन कितना आएगा, 0,0,1,9100। अगर मूलधन 9100 या तो ये ऑप्शन हो गया या तो ये ऑप्शन होगा। चलो एक वर्ष का ब्याज कितना है 910, तो 910 एक वर्ष का ब्याज है, 9100 मूलधन है, परसेंटेज के लिए यहाँ 100 लगा देंगे, 2 जीरो 2 जीरो कटेगा, 91 से 91 कटेगा, कितना आ जाएगा 10%, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे 18 की बात करें तो यहाँ पर 7%, 12% और 5% की 3 क्रमागत छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसका करने का तरीका क्या बताएं तुम्हें, चाहे तो 2 का 1 साथ निकाल दो, कई सारे तरीके हैं, चाहे तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 100, या तो ये लगा लो, नहीं तो 2 का 1 साथ निकाल लो, जब वो निकल आया तो उसको इसके साथ निकाल लो। तीसरा तरीका है 100 मान के कर लो, वो सबसे आसानी है, ठीक है ना, वो सबसे आसानी है, चलो 100 मान के करते हैं। 100 हमने मान लिया कि हमारा इसका विक्रय मूल्य 100 रुपये है, पहले उसने 7% की छूट दे दी तो ये 93 में बिक गई, फिर उसने 12% की छूट दे दी तो 93 का 12% कितना होता है बताओ, 12 3 36 की 6 हासिल 3, 12 नहीं है 108, 108, 109, 110, 111, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ कितना आएगा 11.16, इतना आएगा। तो 11.16 की अगर छूट मिल गई तो बिकी कितने में, 84, इधर 1, इधर 81, इतने में बिक गए। अब देखो अभी इस पे 5% की छूट और देनी, अच्छा 10% इसका 8.184 हो जाएगा, तो 5% कितना होगा इसका, बटे 2 कर दो, 2 चौके 8, 2 नम्बे 18, 2 दूनी 4, इतना आएगा, घटा लो 10 से 2 जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और कितना है 13 से 9, 4 इधर हो जाएगा, 7 इधर कितना आएगा 77, ये 7 आया था ना 77, अब इससे इसको घटा लो तो कितने की छूट आएगी, यहाँ से जैसे आप लोग घटाओगे यहाँ आ जाएगा 22.252%, ये अपना हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, इसमें क्या है कि 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए से बी तक जाती है और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान चाल से वापस ए तक लौट आती है, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी, औसत चाल निकालने का फार्मूला 2xy/x+y, इसको लगा लो, ठीक है ना। चलो यहाँ पर हो जाएगा 2x कितना है, एक्स है 80, वाई है 65, दोनों को जोड़ लो, 8 6 14 145 हो गया, भाग दो 13 5 65, 5 से कट जाएगा, 5 2 10, 5 9 45, 29, 13 8 104, 104 और 2 208, तो कितना आ गया 20 80। अब इस पर तुम्हें 29 से भाग ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, 29 से भाग लगाना ही पड़ेगा। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उससे आंसर आए भी या ना आए, देखते हैं, अगर हम 30 से भाग दे दें, ध्यान दो, तो इससे जस्ट छोटा हमारा आंसर आना चाहिए, जस्ट छोटा। चलो 30 से भाग दें, दो जरा इस पर 0 से 0 कट गया, 3 7 21,
छंग 18 नहीं होगा भाई, 29 से ही अब तुम्हें भाग ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शन पता है बहुत नज़दीक है, 74.73 नहीं पढ़ते पता है, 73 होता है वो, ठीक है, 71.72 बहुत नज़दीक है, तो भाग ही दे लो, तो इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4th मिल जाएगा, ठीक है ना, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, दे लेना भाग, ठीक है, इतना काम कर ही लेना तुम लोग। यहाँ पर है बस की चाल और ठहराव के समय घटा दें, घटाकर एक मिनट, किसी बस की चाल ठहराव के समय को घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठहराव का समय नहीं ले रहे, ठहराव के समय को मिलाकर 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है, अच्छा एक घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, ये एक घंटे में 42 किलोमीटर जाती है अगर ठहराव लेती है, तो अगर हम टाइम की बात करें तो 42:60 का आएगा कि नहीं आएगा टाइम, देखो एक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है, 18 मिनट के लिए, तो ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 253 मीटर लंबी एक पुल को पार करने में 42 सेकंड लगते हैं, पुल की लंबाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर दूरी कितनी है 253, ट्रेन अपनी दूरी पार करेगी और पुल को भी पार करेगी, दोनों की दूरी लिख देते हैं, दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, मीटर पर सेकंड में बना लेंगे, 5/18 कर लेंगे, इंटू में सेकंड लग रहा है 42, देखो 36 18 6 7 42, 3 से इसको कट कर लेंगे, यहाँ 20 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10, यहाँ से हो जाएगा 700, माइनस कर देंगे 253, ये इधर जाएगा ना माइनस में, कितना हो जाएगा माइनस 253, जैसे घटाएंगे 447 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर 8000 की धनराशि पर 2 से 1/2 वर्ष में वार्षिक 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज, ठीक है चलो, चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज कितना होगा, सिंपल सा एक काम करो, फार्मूला लगाओगे बड़ा चला जाएगा, 129 के स्क्वायर में निकालना पड़ेगा, सिंपल सा कर लो कैसे, 8000 रुपये है, पहले इस पे 16% लगा दो, 8000 रुपये पर आप लोग सबसे पहले 16% लगा दो, तो इसका 16% कितना हो जाएगा बताओ, 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा, कितना होगा 126 होगा, पढ़ा याद कर लो फिर इसके बाद बताओ मैं, ठीक है जल्दी से, तो ये कितना हो जाएगा 128 के 8 ये आएगा 1280, कितना हो जाएगा 1280 हो जाएगा, अब देखो इसका एक वर्ष का निकालेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा 1280 हो जाएगा, तो टोटल इसका मिश्रधन कितना बनेगा ये बता दो मैं, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 8 × 9 हो जाएगा, 9280 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9280 हो जाएगा, अब अगेन इस पर फिर से 16% निकाल दो, ठीक है फिर से इस पर क्या कर दो 16% निकाल दो, पढ़ो 16 × 8 = 128 की 8 हो जाएगा, यहाँ पर हासिल बचेगा 12, 16 × 2 = 32, 32 और 12 को हम लोग ऐड करेंगे कितना, 2 × 2 = 4 + 3 = 4 = 44, 44 की यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, बचे कितना अगेन 4 बच जाएगा, 16 नहीं है कितना होता है 144, 144 और 4 कितना हो जाएगा 148, तो इसमें ब्याज कितना मिलेगा 1448.8, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 यहाँ लिख देंगे, दशमलव लिखेंगे 4 आएगा, 8 8 16 की 6 हासिल 1 4 2 6 1 7 9 1 10, 10 76 4.8, अगेन देखो ये कह रहा है 1/8 वर्ष का, देखो 12 महीने का जो ब्याज है वो 16% है, 1/8 महीने का कितना हो जाएगा, मतलब 12/8 महीने कितना होगा, 8 से भाग दे दो 2%, इसका भी 2% और निकाल लो, क्या कर लो इसका 2% निकाल लो, 2% कितना हो जाएगा 2 8 16 की 6 हासिल 1 2 4 8 1 9, 2 6 12 की 2 हासिल 1 2 7 14 1 2 7 14 1 15 की 5 हासिल 1 1 2 9 2, 215.296 आएगा, ऐड कर लो 6 9 8 2 10 की 0 हासिल 1 5 4 9 1 10 की 0 हासिल 1 6 1 7 1 8 7 2 9, 10980 हो गया, कितना हो गया 10980, इसका मूलधन कितना है 8000, तो ब्याज कितना हो जाएगा 2980, निकटतम हमें बताना है तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 धनात्मक संख्याएं 7:4 के अनुपात में हैं, यदि इनके वर्गों के बीच का अंतर 297 है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना, देखो पहली संख्या 7x मान लेते हैं, दूसरी संख्या 4x मान लेते हैं,
दोनों का स्क्वायर करते हैं तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा। तो अंतर कितना आएगा, 49 और 16 का अंतर तो 9 से 6 जाएगा, 3 आएगा यहाँ पर, और 4 से 1 जाएगा 3, 33 बराबर दिया है इसमें 297। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ। तो 33 से इसको कट कर लेते हैं, 33 × 9 = 297, 9 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू किसकी बतानी है हमें, 4 × 4 = 11 की, किसकी बतानी है, कुछ गलत कर दिया क्या हमने। हाँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई ना, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी ना, तो हमें वैल्यू बतानी है 7 × 4 = 11 की, 11x की। तो 11x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 × 3 = 33। ठीक है, तो योगफल कितना आ जाएगा इनका, 33 आ जाएगा। आगे और आज का लास्ट क्वेश्चन, 7 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 10, 15, 24, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर क्रमशः 6, 11, 16, 20 और 26 से फल प्राप्त हों। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इसको। अच्छा, मैं अगर आपको ट्रिक से बताऊं तो आ जाएगा समझ में। तो अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, 15 से डिवाइड कर रहे हो तो 11 बच रहा है, 20 से डिवाइड कर रहे हो 16 बच रहे हैं, 24 से डिवाइड कर रहे हो तो 20 बच रहा है, और 30 से डिवाइड कर रहे हो 26 बच रहा है। घटाने में कितना आ रहा है सबके, 4 ही तो आ रहे हैं ना, घटाने में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, सबके ऑप्शन में 4 ऐड कर दो, सबके ऑप्शन में 4 लगा दो, मतलब 4 ऐड कर दो, ऐड कर दिया। तो यदि देखो इधर तो 9, 9, 9, 9 सबका सेम है ना, 56 इधर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 76 4 80 हो जाएगा, 60 4 64 हो जाएगा, और 80 4 84 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इन संख्याओं से विभाजित करने पर अब तो शेषफल 0 बचेगा ना, 0 बच जाएगा। ठीक है, अब शेषफल तुम्हारा 0 बच रहा है। अब देखो ये संख्या 10 से विभाजित होंगी तो लास्ट में 0 चाहिए, तो ये दो ऑप्शन हो नहीं सकते। 30 से विभाजित होना है तो मतलब 3 से विभाजित होना पड़ेगा, 3 से 80 विभाजित नहीं हो सकता, विभाजित क्या होगा, 60। इस वजह से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, फार्मूले में काफ़ी झाम होगा। ठीक है ना, ऐसे ही आएगा फिर। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको क्लास कैसी लगी इसका हमें रिव्यू देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली क्लास कल इसी समय पर रहेगी। आज के लिए इतना ही, जय। और PDF मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, चलते हैं।